ईएम के अंडे से पैदा हुआ है मोदी, वो देश का विकास क्या करेगा? मोदी तो एक बजगावना है जो खेतों में ड्रामना खड़ा करते हैं। ईवीएम मशीन चोरी है, वो चोरी का सरदार है, लोग तंत्र की हत्या कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह फोड़ी जाएगी। मोदी को निखेड़ दिया। बीजेपी मतलब ही ब्राह्मण जनता पार्टी है, ये ब्राह्मणों का राज है ना। कौन भागवत के इशारे पे हो रहा सारा कुछ? हमारे युवाओं को नौकरी मिल जाएगी मंदिर से? जब बम सेफ आवाज उठाता ना, फिर किसी की नहीं चलती, फिर बम सेफ की चलती है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो ईवीएम के विरोध में ही है और कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, वरना 2024 के लोकसभा चुनाव अगर ईवीएम से होंगे तो हम होने नहीं देंगे। फिर जनता से ही जान लेते हैं। सर, ईवीएम के विरोध में ही आए हैं आप लोग? हाँ जी, ईवीएम के विरोध में आए। अगर 2024 में ईवीएम से चुनाव होते हैं फिर क्या करेंगे? कोने से आए मेरे भाई और बहनों, से नहीं होने देंगे। सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, तमाम प्रकार की समस्याओं का निर्माण हुआ है। 2004 के बाद ज्यादा बढ़ गया है और आज वर्तमान में मोदी जी से खुश नहीं है क्या आप लोग? मोदी जी से खुश नहीं है क्या? हमारे संवैधानिक अधिकारों को। मेरा नाम डॉक्टर सत्य प्रेम स्मिता सिंह, मैं चंदौली इंटर रिसर्च एंड डिस्कशन प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। तो आप लोग मोदी जी से खुश नहीं है क्या? राम मंदिर के बाद एक तरीके से लग रहा है कि पूरी जनता उन्हीं की साइड हो गई है। ईवीएम मशीन चोरी है, वो चोरी का सरदार है, उसे हमें हटाएगा। लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। हमारे देश में 5 करोड़ से ज्यादा लड़की बेरोजगार हो गए, फांसी दे दिए, मर गए, हत्या हो गया। अगर ये लोकतंत्र नहीं हटता है तो हमारे 2025 में देश को पुनः जो हजारों वर्ष पहले जैसी मतलब दशा था, उससे भी बुरा दशा होने वाला है। अगर ईवीएम से चुनाव हो गए तो आप लोग वोट देने जाएंगे कि नहीं? वोट देने नहीं जाएंगे। वोट देने जाएंगे नहीं अगर ईवीएम से चुनाव हो गए तो? आप लोग वोट देने नहीं जाएंगे अगर ईवीएम से चुनाव हो गए तो? ईवीएम से वोट देने नहीं जाएंगे, हम उनका विरोध करेंगे। लेकिन 2024 के इलेक्शन जो है वो बहुत नजदीक बताए जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव होंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा। जब बम सेफ आवाज उठाता ना, फिर किसी की नहीं चलती, फिर बम सेफ की चलती है। आज का जो आंदोलन है भारतीय मुक्ति मोर्चा के निर्देश में हो रहा है। भारतीय मुक्ति मोर्चा ने वामन मेश्राम जी ने ये अनाउंस कर दिया कि ईवीएम बस तोड़ना है, ईवीएम को हटाना है, तो ईवीएम हटेगा। बम सेफ के जो कार्यकर्ता थे ना, वो यही सोचते कि कब वामन मेश्राम साहब ये इशारा करें कि ईवीएम का विरोध पूरे देश में हो। पहले सोशल मीडिया पे था, अभी ग्राउंड लेवल पे हो रहा है, तो ये पूरी तरह फोड़ी जाएगी। पूरी हम पंजाब से आए हैं, कितनी दूर से, पूरे देश भर से लोग आए हुए हैं, अलग अलग से, अलग अलग लोग, हाँ बिल्कुल राज्यों से। हाँ जी, तो आपको लग रहा है सरकार मानेगी? यहाँ पे पूरी जनता विरोध में, लेकिन सरकार को थोड़ा सा भी फर्क पड़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। जब सरकार हमारी बात तब मानेगी जब हमारी वोटों से बनी होगी, मगर सरकार हमारी बात मानेगी नहीं, हमें मनवाना आता है। हमारे जख्म तो बहुत पुराने हैं, ये तो कुछ भी आंदोलन ही है। किसान आंदोलन देखा था ना, पंजाब के लोग हम, पंजाब वालों ने मोदी को निखेड़ दिया। वो भी ये बोलता था कि ये आंदोलन के एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, वो हटा। ईवीएम भी बैन करना पड़ेगा, आज चुनाव योग गिरा। आप लोगों को बीजेपी सरकार से क्या तकलीफ है कि आप कह रहे हैं कि ईवीएम है तो? अरे बीजेपी मतलब ही ब्राह्मण जनता पार्टी है, ये ब्राह्मणों का राज है ना। ये बीजेपी ही मेन मुद्दा है, बीजेपी ही जो कुछ कर रही है। आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है बीजेपी, ये बीजेपी कर रही है। मोहन भागवत के इशारे पे हो रहा सारा कुछ। हाँ, मोदी तो एक बजगावना है जो खेतों में ड्रामना खड़ा करते हैं। सर क्या कह रहे थे आप? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलते, क्या दिक्कत है आपको? आपको पता है हमारे से ज्यादा, तो हमारे से ज्यादा आपको पता है कितना विकास हो रहा है। ये चैनल से थोड़ी होता है, चैनल के मध्य से ये थोड़ी कहते हो आप। आपको ये कहना चाहिए कि कितना विकास किया वो धरातल पे। सिर्फ नेताओं का और मंदिरों का विकास किया है और किसी का नहीं किया। मंदिर से खाना मिल जाएगा लोगों को, हमारे युवाओं को नौकरी मिल जाएगी मंदिर से। 50 ठेकेदार तो वैसे खड़े होंगे वहाँ पे, 50 पुजारी बन जाएंगे। आपने देखा नहीं था क्या जब उद्घाटन हुआ था कितने लोग गए थे? था वो तो इवेंट मैनेजर है, वो खुद की ताकत ही है उसकी, वो जो बच्चों को अपनों को साथ नहीं रख सकता।
दूसरे का क्या विकास करेगा वो, उसके अंदर एक ले रखा है अडानी, अडानी ले रखा है, अडानी को विकास हो रहा है सारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट। मैडम मैडम आप न्यूज वाले हो, आप सोचिए जो बच्चा ईएम के अंडे से पैदा हुआ है मोदी, वो देश का विकास क्या करेगा, वो देश का विकास क्या करेगा। बेल्ट पेपर से अगर हमें विश्वास हो गया कि इसको मैंने वोट दिया है, मन को तसल्ली होगी। ईवीएम से घपला होता है, आप अपने न्यूज पेपर देखिए, हमारे पास आंकड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट ये मान चुका है, सुप्रीम कोर्ट में हम साबित कर चुके हैं, हमारे पास सब प्रूफ है, सभी आंकड़े दिए हुए हैं, फिर भी ये ईवीएम क्यों। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जनता में आक्रोश दिख रहा है कि उनको जो बीजेपी सरकार जो एक एजेंडा चलाती है उसके लिए ये लोग सीधा विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोग तो वोट नहीं देते, यहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण हुआ है, ये दिल्ली को भी मैं नतमस्तक होता हूँ। उसके विरोध यहाँ पे हमारे नेता वामन मेश्राम साहब आपने देख लिया कितने लोग हैं, इन्होंने पूरे देश में जंग छेड़ी है।